स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के इस ऑनलाइन कोर्स में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। और ये विषय मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये ऐसे विषय हैं जिन्होंने कि मुझे बहुत कुतूहल पैदा किया है मुझ में, और बहुत एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को पढ़ने में। ऐसे तो फिजिक्स का हर एक विषय जो है वो अपने आप में, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, साइंस का, अपने आप में बहुत रोचक होता ही है, लेकिन अलग अलग लोगों की वो अलग अलग चीज़ों के अंदर में ज़्यादा मज़ा आता है। स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एक चीज़ है जो मुझे परियों की कथा जैसी लगती है। इसको अगर हम बिना इसके विस्तार में गए हुए इसके कुछ रिजल्ट्स केवल कहें तो लगेगा कि मैं बिल्कुल किसी दूसरे जगत की बात कर रहा हूँ। अब इसमें हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि किसी चीज़ की लंबाई अपने आप में निश्चित नहीं है। अगर मैं कहाँ से देख रहा हूँ उसको, उसके अनुसार उसकी लंबाई मुझे अलग अलग मिलती है। और मिलती है का मतलब ये नहीं कि मेरे नाप जोख में कोई गड़बड़ है, वो है, उसकी लंबाई उतनी है। उसी प्रकार से घड़ियाँ जो क्लॉक्स होती हैं वो भी वही क्लॉक, एक व्यक्ति देखे तो बताए कि ये क्लॉक इस रेट से चल रही है, दूसरा व्यक्ति देखे तो बताए कि दूसरे रेट से चल रही है। ट्विन पैराडॉक्स की बात हम लोग करते हैं, दो जुड़वा अगर भाई हो, एक ज़मीन पर रहे और दूसरा कहीं अंतरिक्ष की यात्रा करने चला जाए और बहुत सालों के बाद बहुत स्पीड से यात्रा करके वापस लौटे, तो दोनों की उम्र में बहुत फर्क हो सकता है। एक बहुत बूढ़ा नज़र आ सकता है और उसी के बगल में खड़ा हुआ उसका जुड़वा भाई बहुत युवावस्था में दिख सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इस स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में से निकल करके आती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने, आइंस्टीन ने थ्योरी बना दी और उल्टी पुल्टी और उसमें से बड़े सुंदर सुंदर रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये है वैसा, अपनी दुनिया है वैसी, और इसी के आधार के ऊपर हमारा जीपीएस सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं वो इसी के आधार पर बनती हैं, इन्हीं थियोरीज के आधार पर बनती हैं। हमारी जो प्रकृति है वो अगर ऐसी नहीं होती तो हमारा जीपीएस का सिस्टम काम नहीं करता। अगर हमने सीधा सीधा न्यूटन्स लॉ के अनुसार अपना जीपीएस बनाया होता तो हम जाने को कहते कहीं म्यूजिक कंसर्ट में, हो सकता था हमें हॉस्पिटल पहुंचा देता है वो जीपीएस। तो ये सभी चीज़ें बहुत वास्तविक हैं और बहुत रोचक हैं। तो इन सब चर्चाओं से पहले हम लोग रेस्ट मोशन, इनकी बात शुरू करेंगे कि हम कब किसी चीज़ को रेस्ट में कहते हैं, कब किसी चीज़ को मोशन में कहते हैं, या हम किसी चीज़ का पोजीशन कैसे बताते हैं कि ये यहाँ है, वो वहाँ है, वो वहाँ है। तो उसके लिए हमें एक्स वाई जेड एक्सेस लेने चाहिए, और एक्स वाई जेड एक्सेस लेकर के हम बता सकते हैं कि इस समय इस पार्टिकल का जो पोजीशन है, इस वस्तु का जो स्थान है, वो कहाँ पर है। एक्स बराबर कितना, वाई बराबर कितना, जेड बराबर कितना, तीनों निर्देशांक अगर आप बता दीजिए तो हम पक्का समझ जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर है। तो लोकेशन प्राप्त करने के लिए, पोजीशन प्राप्त करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक्सेस सिस्टम, अक्ष, अक्ष चाहिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। हम लोग इस तरह का चित्र बनाते हैं, ये दो लाइनें इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में समझी जाती हैं और तिरछी वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर, बोर्ड से परपेंडिकुलर ऐसा। तो हम लोग एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं और एक जेड एक्सिस लेते हैं। अगर आप ऐसा एक्स और ऐसा वाई लेंगे तो जेड एक्सिस इस तरफ को निकल करके आएगा। तो अगर हमारे पास ये तीन एक्सिस हों और उसके बाद हमारा लेंथ का स्केल हो, हम बताएं कि ये 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है, तो हमारे पास एक लेंथ का स्केल हो जिससे हम बता सकें कि ये इतनी दूर है, वो उतनी दूर है, वो उतना दूर है, डिस्टेंसेस को हम नाप सकें। तो हमारे पास एक्सेस सिस्टम होना चाहिए और लेंथ का स्केल होना चाहिए। यूनिट्स होने चाहिए, किसको मैं 1 यूनिट लेंथ कहूँगा और कैसे उसको नापूंगा, उसके लिए हमारे पास जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो होना चाहिए।
तब हम किसी चीज का पोजीशन बता सकते हैं, और अगर वो पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रहा हो, एक्स नहीं बदल रहा हो, वाई नहीं बदल रहा हो, जेड नहीं बदल रहा हो, तो हम कहते हैं वो चीज रेस्ट में है, वो चीज विराम अवस्था में है। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक बदल जाए, या दो बदल जाए, या तीनों बदल जाए, तो हम कहते हैं कि वो चीजें चल रही हैं। तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो समय बदलने से पोजीशन नहीं बदले तो रेस्ट, समय बदलने से पोजीशन बदले तो मोशन, तो समय की भी एक बात आ गई। और इसलिए हमारे इसके अंदर में एक टाइम का भी स्केल होना चाहिए, और उसको नापने की भी हमारे पास में व्यवस्था होनी चाहिए। तो लेंथ का स्केल, उसको नापने की व्यवस्था, टाइम का स्केल, उसको नापने की व्यवस्था, एक्स वाई जेड हमारी परपेंडिकुलर तीन रेखाएं जिनको हम अक्ष कहते हैं, ये सब हमारे पास में अगर है, तब हम शुरू करेंगे कि अमुक वस्तु इस जगह पे है, वो वस्तु उस जगह पे है, इस समय इस जगह पर है, उस समय उस जगह पर है। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतनी चीजें जब आप बता दें तो उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या निर्देश तंत्र, तो हम लोग जाने अनजाने में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते ही हैं अपनी जिंदगी के अंदर में। अगर हम जमीन पर सड़क पर चल रहे होते हैं, सड़क पर खड़े होते हैं, और कोई पूछता है कि वो मंदिर कहाँ पर है, तो हम बताते हैं कि हाँ आप 1 किलोमीटर इस सड़क पर चले जाओ, फिर बाएं मुड़ जाना, और फिर 1.5 किलोमीटर के बाद आपको मंदिर मिल जाएगा। या चिड़िया अगर बैठी है कहीं पर, तो हम बताते हैं कि अच्छा इतनी दूरी पर वो पेड़ है, और फिर इतनी ऊंचाई के ऊपर चिड़िया है। तो हम निर्देश तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। हम ट्रेन में जब बैठते हैं तब हमारा निर्देश तंत्र जो होता है वो ट्रेन के साथ फिक्स हो जाता है। अगर ट्रेन में हम बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, तो हम पूछते हैं अपने लोगों से, सहयात्रियों से, कि अरे भाई आगरा कब आएगा। तो आगरा कब आएगा का क्या मतलब है कि हमारी ट्रेन के फ्रेम में हमने एक्स वाई जेड एक्सेस अपने बना रखे हैं, और वहाँ से हम आगरा की दूरी देख रहे हैं, और वो दूरी समय के साथ अगर बदल रही है तो हम कहेंगे आगरा चल रहा है, यानी आगरा आने वाला है, आगरा आ गया, आगरा चला गया। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आगरा, ये कानपुर, ये जयपुर, ये श्रीनगर, ये सब चल रहे हैं। लेकिन वही हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं तो हम पूछते हैं ट्रेन आ गई क्या, ट्रेन आने वाली है क्या, ट्रेन चली गई क्या। उस समय में हमारा जो स्टेशन है वो नहीं चलता है। अगर हम कहीं खड़े हुए हैं लखनऊ में तो वो लखनऊ नहीं चलता है। उस समय अगर कहीं खड़े हुए हैं हम मैनपुरी में तो वो मैनपुरी नहीं चलता है। उस समय खड़े हुए हैं हम मुजफ्फरपुर में तो उस समय मुजफ्फरपुर नहीं चलता है। लेकिन जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो मुजफ्फरपुर चलता है। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर जो वस्तु इस फ्रेम में रेस्ट में है दूसरे में चलती प्रतीत हो सकती है, जो दूसरी रेस्ट में है वो पहले में चलती प्रतीत हो सकती है। तो इसको हम लोग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के कहे जाते हैं, एक कहा जाता है इनर्शियल और दूसरा कहा जाता है नॉन इनर्शियल। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी दो प्रकार हैं, एक है इनर्शियल और दूसरा है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल यानी जड़त्वीय, और नॉन इनर्शियल यानी अजड़त्वीय। और इनकी जब बात करते हैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल की, तो इसके केंद्र में है न्यूटन का पहला नियम। और न्यूटन की गति का पहला नियम जो है वो है, सब जानते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो किसी कण पे, किसी पार्टिकल पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो जीरो है, तब वैसी हालत में अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में पड़ी रहेगी,
अगर वो चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसी स्ट्रेट लाइन पे उसी दिशा में चलती रहेगी, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर फोर्स जीरो हो, यदि फोर्स जीरो हो किसी पार्टिकल पे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, त्वरण वो जीरो होगा। त्वरण जीरो होने का मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं होगा। अगर जीरो वेलोसिटी है तो जीरो ही बनी रहेगी, यानी वो रेस्ट में पड़ा रहेगा। अगर वो चल रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी बनी रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कहते हैं त्वरण जीरो। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। लेकिन ये न्यूटन का पहला नियम हम कई बार अनुभव करते हैं कि हाँ ठीक है, और कई बार करते हैं कि नहीं है। अब अगर हमने यहाँ हम खड़े हैं, ज़मीन पर खड़े हैं, या हमारी टेबल रखी है, या टेबल के ऊपर किताब रखी है, हमारे खाने का सामान रखा है डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो अगर कोई हम उस पर बल न लगाए, बाहर से थाली को खींचे नहीं, धक्का नहीं दें, उठाए नहीं, तो जहाँ पड़ी होती है वहीं पड़ी रहती है। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहती है। तो ये न्यूटन के पहले नियम हमें लगता है कि हाँ ठीक है, जब तक कोई उठाएगा नहीं, जब तक कोई बल नहीं लगाएगा, तब तक कैसे परिवर्तन हो सकता है उसकी वेलोसिटी के अंदर में। जब हम लोग गेम खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम बॉल अगर आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी को बदलने के लिए बल लगाते हैं, उसको पकड़ना होता है हमें, तो उसकी वेलोसिटी कम करनी होती है तो हमें बल लगाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, हाथ के द्वारा उस पर हम बल लगाते हैं, बल्ले के द्वारा हम बल लगाते हैं तो हम उसकी वेलोसिटी बदलते हैं। जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो अपना जो रैकेट होता है उससे हम उसके शटल के ऊपर बल लगाते हैं, तब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। धरती बल लगाती है, उसके कारण से वेलोसिटीज चेंज होती हैं। तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए बल का तो होना ज़रूरी है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक बस में सफ़र कर रहे हैं, अच्छी खासी नींद आ रही है, बैठे बैठे हम सो रहे हैं, और अचानक से बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो क्या होता है? अगर कर दिया तो हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं। अब ये आगे की तरफ हमने हम पर किसने बल लगाया? उस समय तो कोई बल लगाने वाला नहीं था, हम तो सीट पर बैठे हुए थे, मेरे बगल वाला थोड़ी दूर पर बैठा था, मैं उसके बगल वाला और इधर वाला भी दूर पर बैठा था, हम पर किसने आगे की तरफ बल लगाया? लेकिन तब भी हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं। बिना बल लगाए हुए भी हमारी वेलोसिटी में परिवर्तन आ गया। बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम काम कर रहे हैं, बस के फ्रेम से अगर हम देख रहे हैं, तो उस निर्देश तंत्र में जहां हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस सब कुछ बस में बने हुए हैं, पहले हम रेस्ट में थे, बस चल रही थी एक बढ़िया सड़क के ऊपर, और न हमारा एक्स बदल रहा था, न हमारा वाई बदल रहा था, न हमारा जेड बदल रहा था। बस के अंदर जहाँ मैंने जहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस खींचे थे, अगर मैं वहीं ओरिजिन पर बैठा हूँ तो मैं ओरिजिन पर ही बैठा था, उसी के आसपास में था। लेकिन जब बस पे ब्रेक लगा तो हम आगे की तरफ को गिरने लगे, अर्थात हमारा जो एक्स वाई जेड था वो चेंज हो गया, वेलोसिटी बदल गई। पहले हम रेस्ट में थे, हम मोशन में आ गए बिना किसी बल लगे हुए। तो जो उस समय जो बस का फ्रेम है उसमें न्यूटन का पहला नियम काम नहीं करता है। तो कई फ्रेम ऐसे होते हैं जिसमें न्यूटन का पहला नियम काम नहीं करता है, और कई फ्रेम ऐसे होते हैं जिसमें न्यूटन का पहला नियम काम करता है। तो जिन फ्रेम में न्यूटन का पहला नियम काम करता है, अर्थात अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जिसमें बिना फोर्स लगाए भी एक्सेलरेशन हो जाए उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जड़त्वीय का मतलब न्यूटन का प्रथम नियम, प्रथम गति नियम, लागू होता है और अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल मतलब न्यूटन का
प्रथम गति नियम लागू नहीं होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में जहां न्यूटन का प्रथम गति नियम लागू नहीं होता है, वहां हम लोग कई बार उसको जबरदस्ती लागू कराने की कोशिश करते हैं, और तब हम कहते हैं कि हमें भाई जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके अलावा कुछ अलग से छद्म बल जिसको कहते हैं सूडो फोर्सेस जो नहीं है फिर भी हम अपनी तरफ से उसमें जोड़ देते हैं अपने समीकरण के अंदर में, उन समीकरण में उन पदों को जोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम न्यूटन के नियमों का इस्तेमाल कर पाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सूडो फोर्सेस। तो हम आपको दो फ्रेम्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। एक ये प्लास्टिक का बॉक्स है और इस बॉक्स में आप देखें हमने एक्स एक्सिस बनाया है, वाई एक्सिस बनाया है, ये ओरिजिन है, जेड एक्सिस हमारा जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इस ये बॉक्स का फ्रेम है जिसमें बॉक्स पर ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, जेड एक्सिस सब कुछ बॉक्स के साथ फिक्स्ड है। इसमें एक पानी के अंदर में लटकता हुआ बॉल देख रहे हैं, धागे से इसको लटकाया हुआ है। तो इस समय सब कुछ स्थिर है और बॉल की वेलोसिटी भी जीरो है, बॉल अपनी जगह पर है, ना इसका एक्स बदल रहा है, ना वाई बदल रहा है, ना जेड बदल रहा है। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स को और मेरी लेफ्ट डायरेक्शन में इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन दूँ, त्वरण दूँ इस बॉक्स को, तो देखना कि इस बॉल का क्या होता है, किधर जाता है ये, या यहीं रहता है, एक्स बराबर जीरो पर ही रहता है, या एक्स इसका पॉजिटिव हो जाता है, या एक्स इसका नेगेटिव हो जाता है। आप देखना है बॉल पर ध्यान देना, बॉल किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहला शिफ्ट देखा आपने, जब मैंने इस बॉक्स को इस तरफ एक्सेलरेशन दिया तो जो बॉल है वो उस तरफ को गई, यानी एक्स जो पहले जीरो था वो एक्स बढ़ गया। तो किसने फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, किसने फोर्स लगाया? मैं तो बॉक्स को एक्सेलरेट कर रहा हूं, बॉल पे एक्स दिशा के अंदर किसने फोर्स लगाया? किसी ने भी नहीं लगाया, फिर भी बॉल एक्स दिशा में चल पड़ा। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है जहां न्यूटन का प्रथम गति नियम लागू नहीं होता है बिना फोर्स लगाए हुए भी एक्स डायरेक्शन में, और इसका मोशन एक्स डायरेक्शन में शुरू हो गया, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं हमें तो न्यूटन लॉ का ही इस्तेमाल करना है, तो कोई तो फोर्स हमें लेना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ठीक है, फिर मान लो कि एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स है, जिस समय ये बॉक्स एक्सेलरेट करता है उस समय आप मान लो कि एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स है, उसी ने उसको ले गया। तो वो जो मान लो वाला है, जो हम इसको एक्सेलरेट जब करते हैं और ये बॉक्स जब नॉन इनर्शियल फ्रेम बनता है, तब दाहिनी तरफ की तरफ हम देखते हैं कि मोशन हो रहा है। फिर हम कहते हैं भाई मान लो अपनी तरफ से कि उधर कोई तो फोर्स होगा, उसी को हम छद्म बल कहते हैं या सूडो फोर्स कहते हैं, जो है नहीं लेकिन हम मानते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करने के लिए हम मानते हैं वो सूडो फोर्स है। और ऐसी परिस्थिति में आप देखते हो कि ये जो फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो अपने आप उसका जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में ये सूडो फोर्स हम लेते हैं। लगता तो नहीं है लेकिन हम लेते हैं, हम कहते हैं कि हाँ हमने मान लिया है कि लगता है। हम आपको एक दूसरा फ्रेम भी दिखाना चाहते हैं और ये दूसरा फ्रेम इस प्रकार से है। ये देखें यहाँ पर एक ये डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर हमने यहाँ ये एक्स एक्सिस बना रखा है, ये वाई एक्सिस बना रखा है और केंद्र पर ओरिजिन है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है और यही मेरा फ्रेम रहेगा। इस एक्स वाई जेड की अपेक्षा यहाँ से हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट न बदले, वाई कोऑर्डिनेट न बदले, जेड कोऑर्डिनेट न बदले तो चीज़ें रेस्ट में हैं, और अगर वो बदलती हैं तो वो चल रही हैं, और कैसे चल रही हैं हम उसका पाथ देख सकते हैं। तो हम अभी इसके ऊपर कुछ चीज़ें डालना चाहते हैं, आप देखें। तो अब इसके ऊपर हम कुछ कारस्तानी करेंगे,
ये आटा है और इस आटे को हम धीरे धीरे इसके ऊपर बुरक रहे हैं। और आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरे बने हुए हैं उनका ध्यान रखिएगा। ये हम देखिए हमने इसके ऊपर थोड़ा आटा बुरक दिया है और अब हमारे पास में एक छोटा सा ये काला काला पदार्थ है रिंग जैसा, इसको हम यहाँ पे और ओरिजिन के पास में रख देते हैं, यहाँ पे इसको हम रख देते हैं इस जगह पर। और यही मेरा फ्रेम रहेगा, यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहेंगे और इस डिस्क को अब मैं घुमाता हूँ और ये घूमता हुआ फ्रेम बनेगा, ये रोटेटिंग फ्रेम बनेगा और हम इसके मोशन को देखना चाहते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पदार्थ है, ये किधर जाता है और नहीं जाता है उसको हम देखना चाहते हैं, तो हम इसको घुमा देते हैं। और आप देखिए इसका रास्ता आपको दिख रहा होगा, इसका रास्ता आपको दिख रहा होगा। हमने इस काले काले पदार्थ को यहाँ रखा था ओरिजिन के पास, एक्स एक्सिस के पास यहाँ रखा था और ये खाली जगह आपको दिख रही होगी जहाँ से आटा हट गया है। ये देखिए ये ऐसा घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ ये यहाँ पहुँचा है इस फ्रेम में, इस एक्स वाई जेड के अनुसार जो शुरू में ये यहाँ पर था, जिसका जो ओरिजिन के पास में था, इस रास्ते पर चलता हुआ, इस डिस्क की अपेक्षा इस रास्ते पर चलता हुआ वो यहाँ पहुँच गया है। तो इस फ्रेम में क्या हुआ, इस फ्रेम में जो ये ओरिजिन के पास था सो ओरिजिन से दूर होता जा रहा है। देखिए यहाँ शुरू में ओरिजिन के काफ़ी पास था, अब ये और दूर हो गया, यहाँ और दूर हो गया, यहाँ और दूर हो गया और यहाँ और दूर हो गया, तो ओरिजिन से ये बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ किसने फोर्स लगाया इसके ऊपर, ये डिस्क या ये आटा बाहर की तरफ तो फोर्स नहीं लगा रहे थे, फिर भी ये बाहर की तरफ गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसा होता है कि जिधर फोर्स नहीं लगता है उधर भी चीज़ें जाती हैं, ये उसका उदाहरण है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये केवल बाहर की तरफ नहीं गया है, ये बाहर की तरफ जाते जाते साथ में मुड़ भी रहा है, एक साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने परपेंडिकुलर, अपने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जिधर इसको बाहर की तरफ अगर यूं जाना है तो ये उससे परपेंडिकुलर लंब दिशा के अंदर में घूम भी रहा है। तो एक और भी कोई फोर्स है जिसको डिफ्लेक्ट करा रहा है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करा रहा है, उसके पाथ को कर्व कर रहा है। तो घूमता हुआ जो फ्रेम होता है वो भी नॉन इनर्शियल होता है और उसमें दो प्रकार के छद्म बल हमें लेने पड़ेंगे। अगर हम न्यूटन के नियम की भाषा में बात करें कि जिधर मोशन शुरू हो गया उधर जरूर कोई फोर्स होगा, तो बाहर की तरफ जरूर एक कोई फोर्स होगा ऐसा हम कहेंगे, है नहीं फोर्स इसीलिए उसको सूडो फोर्स या छद्म बल कहते हैं। तो जो बाहर की तरफ हमें छद्म बल लेना पड़ता है उसको कहते हैं अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी मैं लिखूंगा बोर्ड पे। और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर की तरफ हमें बल लेना पड़ेगा क्योंकि उधर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो घूमते हुए फ्रेम में, अगर फ्रेम घूम रहा है, ऐसा फ्रेम है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस जो है वो रोटेट कर रहे हैं, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल और कोरियोलिस फोर्स, ये दो सूडो फोर्स लेने पड़ेंगे। और अगर घूम नहीं रहा है, केवल एक्सेलरेट हो रहा है एक दिशा में, जैसा ये बॉक्स के समय था एक दिशा में केवल एक्सेलरेट हो रहा था, तो हमें एक ही सूडो फोर्स लेना पड़ता है अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ऑफ दी बॉक्स। तो हमने दो तरह के इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की चर्चा यहाँ पर की, आपको दिखाया। हमारा जो लैब है, जो टेबल है, उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। धरती जो है वो खुद घूमती है और सूरज के भी चारों बगल घूमती है और चक्कर भी लगाती है अपनी धुरी पे, तो वो भी एक घूमता हुआ फ्रेम है और इसलिए नॉन इनर्शियल है। लेकिन उसमें जो नॉन इनर्शियलिटी है वो कम है, काफ़ी कम है। और छोटे मोटी चीज़ों के लिए हम लोग कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट अगर ना करें तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो हमारी जो टेबल है, हमारी जो लैब है जहाँ हम खड़े हैं, उसको हम इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं।
और हमने आपको दो फ्रेम्स दिखाए, एक डब्बे का फ्रेम जो कि एक खास दिशा के अंदर में एक्सेलरेट कर रहा था, एक खास दिशा में उसको हमने एक्सेलरेशन दिया था और तब वहां पे हमें छद्म बल लगाने पड़े थे, किधर फ्रेम के त्वरण के विपरीत, और दूसरा फ्रेम हमने डिस्क को रोटेट करा करके बनाया था, उसमें हमारा जो एक्स वाई एक्सिस थे, एक्स वाई जेड एक्सिस, वो एक्सिस ही रोटेट कर रहे थे, ऐसा पूरा एक्स वाई एक्सिस जो थे वो रोटेट कर रहे थे, जेड एक्स के परितः ये रोटेशन हो रहा था। तो इस तरह के डिस्क में हमारे को फिर से छद्म बल लगाने पड़े थे, ये भी नॉन इनर्शियल है छद्म बल, इसमें भी हमें अगर हम न्यूटन के नियम का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी छद्म बल लगाने पड़ेंगे। और ये दो किस्म के, एक अपकेंद्र और ये किधर, ये बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बल ये किधर, ये जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम देख रहे हैं, किसकी अपेक्षा, मेरे घूमते फ्रेम की अपेक्षा, घूमते फ्रेम पे मैंने एक्स वाई एक्सिस बनाए थे और उस पर पाथ देखा था, तो उसमें जो वेग है उसके परपेंडिकुलर, वेग के लंबवत, और वेग के लंबवत जब बल लगता है तो चीज़ें डिफ्लेक्ट करती हैं, कर्व करती हैं, वही आपने देखा उस पार्टिकल का जो पाथ था, उसका जो रास्ता था वो कर्व हो रहा था, जिधर जा रहा था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंब डायरेक्शन में बल लग रहा था तो वो उधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो उसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस बल। तो हम लोग अपने इस कोर्स में, रिलेटिविटी के कोर्स में, इनर्शियल फ्रेम्स की ही चर्चा करेंगे, जो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, जो कही जाती है, उसमें इनर्शियल फ्रेमों की ही चर्चा होती है। एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में अगर मैं जाऊं, तब फिर यहाँ का की गति जो है, यहाँ का की वेलोसिटी है, या यहाँ का जो कुछ है वहाँ कैसा दिखेगा, इसी की सारी चर्चा हम लोग इस कोर्स में स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में करेंगे।